है मैं भी इस धागों में जो है आपको टोपी बनाना बता रही हूँ। ये मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है और ऊपर से ही गैदर करके फिर मैंने लास्ट में जो है यहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट किया है। तो चलिए सीख लेते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए यहाँ पर देखिए दो दो फंदे मैंने जो है आगे की ओर किए हुए, ठीक है, और एक बीच में खाली रखा हुआ है। बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको इसमें कैप बताने वाली हूँ, वेस्ट धागों का आपने यूज़ करना है और साथ में मैं सॉक्स भी बताऊंगी। अब करना क्या है, इन्हें मैंने आगे की ओर करना है और उसके बाद आपने जो है प्लेन, ठीक है, इसमें 16 रो लेनी है। आप इसमें जो पूरी 16 रो लेंगे ले ली है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर टू कलर का पैटर्न लगाना है। कौन सा लगाना है, इस तरह का जिग जैग पैटर्न, ठीक है। यदि आपके पास ये पैटर्न नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप में जो है मुझे कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपको ये पिक सेंड कर लूँगी, ठीक है। इसमें जो है बहुत प्यारे प्यारे वेस्ट धागों को यूज़ करना है। अभी चलिए तो जस्ट मैं यहाँ पर प्लेन रो लेती हूँ। इस तरह का मैं यहाँ पर ये टू कलर का पैटर्न लगाने जा रही हूँ। आप वेस्ट धागों से बहुत प्यारे प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। यदि किसी भी चीज़ को ये पैटर्न चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये पैटर्न शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए इस तरह से टू कलर के पैटर्न को बना दीजिए। हमने क्या करना है, यहाँ आपको नॉलेज देती हूँ, जब यहाँ पर पूरा इस तरह से आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टू रो आपकी बैक पोर्शन का धागा निकाल दिया हमने, यानी अंदर से निकाल दिया है और फ्रंट का हमने रहने दिया है। तो इस तरह से ये हम मिक्स करते हुए जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना है, ठीक है, ब्रश बंद। यहाँ पर मैं आपको नॉलेज ये दे रही हूँ कि ये टू रो जो होती है हमारी, तो बाहर वाले धागे के कारण जो है ये वाला स्टेप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आपका ये ग्राफ आ जाएगा 7-1 का, देन फिर आपने जो है सेंटर का बटन तो वैसे ही रखना है और फिर इस तरह से अंदर की ओर ये धागा लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते जाइए, सिर्फ आपने जब यहाँ पर आपके पूरे फंदे बाहर की ओर आ जाएंगे तब आपने क्या करना है, अंदर का धागा निकाल देना है और बाहर से ही आपने जो है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से कैरिज को चलाते हुए जाना है। और आपने यहाँ पर 32 रो का जो है मेरा धागा जो है बारीक है, फिर बॉर्डर लेके इसे जो है फोल्ड कर लेना है और पूरे फंदों को लेस कर देना है। फिर मैं आपको स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। जैसे हमने ये स्टार्टिंग किया था ना, ये सारा का सारा हमने गैदर कर देना है, ठीक है, और पक्के से ऊपर नॉट लगा देना है। एंड यहाँ पर कोई भी आप ब्रॉच वगैरह लगा सकते हो। आई होप आज का पैटर्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। इजी का इजी है, ठीक है।